एक देहाती ज़मींदार का कारोबार के सिलसिले में अक्सर व बेशतर शहर आना जाना लगा रहता था। उस ज़माने में सफ़र ज़्यादातर लोग पैदल या कोई सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल करते थे। उस देहाती ज़मींदार का गांव शहर से बहुत दूर था। एक शहरी ताजर से उसके काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए वो ज़्यादातर क़याम उसी ताजर के घर में करता था। बाज़ औक़ात एक या दो माह भी अगर उसे ठहरना पड़ता तो उसी के यहाँ ठहरता था। वो शहरी ताजर उसके खुर्दनोश और हर तरह की ज़रूरियात बखुशी पूरा करता था। जब वो ज़मींदार अपने गांव वापस जाने लगता तो शहरी ताजर और उसके बीवी बच्चों को अपने गांव आने की दावत देता। एक दफ़ा उस ज़मींदार को बाज़ ज़रूरी कामों की वजह से उस ताजर के यहाँ 2 से 3 माह तक क़याम करना पड़ा। काम पूरा होने के बाद जब वो गांव वापस जाने लगा तो उसने फिर तकाजा किया कि जनाब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपके एहसानात मेहमान नवाजी के नीचे दब गया हूँ। इन दिनों हमारे गांव में मौसम बहार की फ़िज़ा बड़ी खुशगवार होती है, हर तब्ज़ा लहलहाता है, रंग बरंगे फूल झूमते हुए नज़र आते हैं, आप लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, इस साल अपने बाल बच्चों के हमरा ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। एक दिन शहरी ताजर के बच्चों ने कहा, अब्बा जान, चांद बादल और साया भी सफ़र करते हैं, आपने अपने देहाती दोस्त की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस बेचारे को भी अपने एहसानात का हक अदा करने का एक मौका ज़रूर दीजिए, आप सफ़र से क्यों घबराते हैं। शहरी ताजर ने कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन दानाओं ने कहा है कि जिससे तुमने भलाई की हो उसके शर से भी बचो। हद से ज़्यादा दोस्ती का नतीजा दुश्मनी होता है। दूसरा, उसके गांव तक पहुंचने के लिए हमें जंगल और बयाबां और सहरा से गुजरना पड़ेगा, सफ़र तकलीफ़ दे और बड़ा ख़तरनाक है। शहरी ताजर के फ़र्जंदों ने, बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह कहा, हम जंगल में सैर करते और खेलते कूदते जाएंगे। मगर वो ये नहीं समझ सके कि जांबाज़ी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह जुदा और गिरफ्तार बला होना पड़ेगा। किसी के कहने पर जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। एक दफ़ा बाज ने मुर्गाबी का शिकार करने के लिए उसे यह कहकर पानी से बाहर निकलने को कहा कि मुर्गाबी आजकल खेतों में बड़ी बहार है, रंग बरंगे फूल हैं। मगर अक्लमंद मुर्गाबी ने जवाब दिया, तुम्हें यह पुरफिज़ा बहार मुबारक हो, हमें पानी का हिसार काफ़ी है, हम उसी पर ही कनात करते हैं। तकदीर किसी तदबीर से नहीं टल सकती। बच्चों के इसरार पर शहरी ताजर के तमाम हीले बेकार हो गए। आखिरकार सफ़र इख्तियार करने और गिरफ्तार मुसीबत होने पर मजबूर हो गया। चुनाचे उन्होंने सामान सफ़र बांधा और बड़ी खुशी से इस उम्मीद पर घर से निकले कि दावत देने वाला बड़ी ज़मीनों और बागात का मालिक है, वह हमें अपनी जान से अजीज़ रखेगा। मगर उन्हें यह याद नहीं था कि गांव में अहमक लोग भी रहते हैं जिनके पास रहने से अकल बेनूर हो जाती है। शहरी ताजर ने अहले बैत समेत खुशी खुशी जंगल और सहरा का रुख किया। उन्होंने समझा कि सफ़र से बादशाही मिलती है, हिलाल सफ़र ही से बद्र कामिल बनता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी घर से निकल कर बादशाही मिली। इसी उम्मीद पर उन्होंने दिन को सूरज की गर्मी बर्दाश्त की और रात को तारीखी बर्दाश्त की। राह सफ़र की सख्ती गांव जाने की खुशी में बहश्त मालूम होने लगी। उनके दिलों में गांव की पुरफिज़ा बसी हुई एक अजीब गांव था। अहले दुनिया का कायदा यही है कि वो मकसद को हासिल करने के लिए तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं। ताजर और उसके अहल आयाल का भी यही हाल था। उनके ख्याल में ये था कि गांव में हर किस्म की आसाइश उनका इंतज़ार कर रही है और हमें वहां पहुंचकर ऐशो आराम मिल जाएगा। जब वो किसी परिंदे को गांव की जानिब परवाज करता देखते तो उनका जी चाहता कि इस तरह उड़कर वो भी जल्द अज जल्द गांव जा पहुंचें। उस तरफ से जो हवा आती वो उसे ज़िंदगी का ताज़ा पैगाम समझते। पुरसऊबत सफ़र में उन्होंने ऐसी तकलीफ़ उठाई जैसे मुर्गे खाकी पानी में उठाता है। थके मांदे एक महीने के बाद जब उस गांव में पहुंचे तो उनका आब व दाना ख़त्म हो चुका था। एक हरीस परिंदा दाने को बादाम समझकर जाल की तरफ आंखें बंद करके लपकता है और गिरफ्तार दाम हो जाता है।
जब उन मुसाफिरों को उस ज़मींदार का घर सामने नज़र आया तो वह उसे अपना घर समझकर उसकी तरफ लपके मगर दरवाज़ा बंद पाया। उस पर शहरी ताजर बड़ा हैरान हुआ, मगर ये हैरानगी का मौका नहीं था, क्योंकि जब कुएं में गिर पड़े तो वहाँ तेज़ी काम नहीं आती। उस देहाती को जब उनके आने की खबर हुई तो वो रूपोश हो गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देकर उस ज़मींदार को अपने आने की खबर दी। अंदर से जवाब मिला, वो इन दोनों किसी मंजिल को पाने के लिए चिल्लाकशी में हैं और उन पर मजजूबियत का रंग गालिब है। वो बेसहारा काफला दूर दराज से आया हुआ दरवाजे के बाहर ही ठहर गया। बच्चों की सारी तमन्नाओं और ख्वाहिशों पर पानी फिर गया। उनके पाँव में छाले और आँखों में आंसू थे। आरामदेह बिस्तर पर सोने वालों ने वो दिन और रात कांटों पर गुजारी। तीसरे दिन ताजर की उस देहाती पर नज़र पड़ गई। सलाम दुआ के बाद कहा, मैं फलां शख्स हूँ जिसे आपने साला साल से दावत देकर गांव आने पर मजबूर किया। उस देहाती ने पहचानने से इनकार कर दिया। देहाती ने कहा, भाई मैं तो दिन रात अल्लाह की याद में खोया रहता हूँ, मुझे अपने वजूद की भी खबर नहीं और यह भी पता नहीं कि मेरी हस्ती क्या है, खुदा के सिवा मुझे तो किसी बात का होश नहीं। शहरी ताजर ने कहा, वो भाई जिसके हाथ से जो शख्स पेट भरे उसकी आँख शर्माती है और सर नीचा हो जाता है। देहाती ने शहरी ताजर की बातें सुनी अनसुनी कर दी। तीसरी रात भी उन्होंने तारे गिनते हुए ही गुजार दी। चौथे दिन मौसम अबर आलूद हो गया। शाम को आंधी तूफान ने उन्हें आ घेरा। सर छुपाने के लिए जो उन्होंने ठिकाना बनाया हुआ था वो उससे भी गए। शहरी ताजर कहने लगा, शायद क़यामत का वक्त आ गया है। जिस तरह शरीफ लोग बेबसी के आलम में कमीनों के मोहताज हो जाते हैं, इसी तरह शहरी ताजर भी मजबूर होकर देहाती के दरवाज़े पर गया और बहुत रोया धोया। बड़ी मुश्किल के साथ उस देहाती कमीने ने दरवाज़ा खोला। ताजर ने मजबूर और बेबस होकर कहा, भाई मैं अपने ताल्लुकात और तमाम हकूक से दस्तबरदार होता हूँ, हम ऐसी सख्ती के आदी नहीं थे जो हमें यहाँ देखनी पड़ी। खुदा के वास्ते हमें राही मुसाफिर ही समझ कर कोई छत वाली जगह दे दे, खुदा आखरत में तुझको उसकी जजा देगा। अगर तुझे मंजूर नहीं तो मुझे कत्ल कर डाल, मैं अपना खून तुझे माफ़ करता हूँ। इस जाड़े के मौसम में अब इन मासूम और बेगुनाह बच्चों की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। देहाती मेज़बान ने कहा, हमारे चौकीदार का एक कमरा है, वो रात को तीर कमान लेकर हमारे माल मवेशियों की हिफाजत करता है ताकि कोई जंगली जानवर नुकसान न पहुंचाए। चौकीदार वाला कमरा तुम ले लो और रात को तीर कमान लेकर उसकी जगह ड्यूटी दो। शहरी ताजर ने कहा, इस वक्त मैं ऐसी 100 खिदमतें करने के लिए तैयार हूँ, अगर जंगली जानवर की भनक भी मेरे कानों में पड़ गई तो आवाज़ पर तीर चलाकर उसको हलाक कर दूँगा। गर्ज़ इस वादे पर वह अपने अहलो आयाल को बागबान की कोठरी में ले गया। वो जगह नहायत तंग और मच्छरों से भरी हुई थी। वो बेचारे और मुसीबत में फंस गए। बहरहाल शहरी बाओ तीर कमान हाथ में लिए अपना फ़र्ज बजा लाता रहा। आधी रात गुजरने पर उसने महसूस किया कि भेड़िया आ घुसा है। उसने निशाना जोड़कर तीर चलाया और वो सीधा निशाने पर जा लगा। हैवान जख्मी होकर गिर पड़ा। गिरते ही उसके मुँह से आवाज़ निकली, जिसको सुनकर देहाती फ़ौरन बाहर आया और ज़ोर ज़ोर से दुहाई देने लगा, अरे ज़ालिम ये क्या गज़ब कर दिया तूने, तूने मेरा गधा मार दिया। ताजर ने कहा, तुम अच्छी तरह जाकर देख लो, अंधेरी रात है, आंधी तूफान और बारिश में तुम्हें गलत फहमी हुई है। देहाती ने कहा, खा कैसे ही ज़ोर की हवा चल रही हो, मुझे अपने गधे की आवाज़ की ऐसी ही शनाख्त है जैसे शराब और पानी की। 100 जानवरों के रेवड़ में भी मैं अपने गधे की आवाज़ पहचान लेता हूँ। यह सुनकर शहरी ताजर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, ए बेहया, तूने तारीकी और जाड़े के मौसम में अपने गधे की आवाज़ को पहचान ली और अपने 10 साल के रफीक को ना पहचान सका। मेरी मरुवत और एहसान को खाक में मिला दिया और बहाना ये किया कि मैं फनाफिल्लाह हो गया हूँ, मुझे तो दुनिया व माफ़ीहा की कोई फिक्र नहीं है, कोई ख़बर नहीं है, मगर आधी रात को अपने गधे की शनाख्त कर ली, अपने आप को आशिक इलाही ज़ाहिर किया मगर याराना शैतान से गांढा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में तो लोहा मोम हो जाता था,
तू तो मोम को लोहा बना रहा है। तेरे जैसे बेवकूफ़ चालबाज और एहसान फरामोश से तो शैतान भी पनाह मांगता है। हक अज़्ज़ा व जल मक्कारों और कमीनों को इसी तरह ही रुसवा करता है। अहमक बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो उसके शर से भी ज़रूर बचना चाहिए।